कांग्रेसी नेता पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि मेवात में हुई घटना की हो निष्पक्ष सीबीआई जांच। मैं नहीं चाहता कि इस मामले में किसी निर्दोष को सजा मिले, लेकिन जो कसूरवार है उनको अवश्य सजा मिले। मैं लियाकत अली, आप देख रहे हैं मेवात सिटी न्यूज। खबर देखने से पहले हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा पल पल की ताज़ा खबरें। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि मेवात में भीड़ द्वारा आसिफ को सरेआम लिंचिंग करने की घटना बेहद शर्मनाक, दुखदायी और मानवता विरोधी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना कानून व्यवस्था की तो पोल खोलती ही है, साथ ही राजनीतिक एजेंडे का भी हिस्सा है, इसलिए इस मामले की निष्पक्ष सीबीआई जांच हो। यादव ने कहा कि इस घटना के पीछे चाहे कोई भी बात रही हो, लेकिन लोगों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। हमारी न्यायिक व्यवस्था पर लोगों को विश्वास होना चाहिए। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि इस मामले में पीड़ित परिवार ने जिन लोगों के नाम लिखवाए हैं वे सभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। जिला उपायुक्त एवं जिला पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित परिवार से 2 दिन का समय भी मांगा था, लेकिन अभी भी सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। पीड़ित परिवार इस मामले में संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मेरी सरकार से अपील है कि पीड़ित परिवार के कहने पर इस मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी निकले। यादव ने कहा कि सीबीआई द्वारा जांच करने से मामले की निष्पक्ष जांच होगी। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि इस मामले में किसी निर्दोष को सजा मिले, लेकिन जो कसूरवार है उनको अवश्य सजा मिले। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि लोगों को विश्वास मौजूदा सरकार से उठ चुका है। सरकार दबाव बनाकर निष्पक्ष जांच नहीं होने देती है, इसलिए इस मामले में भी सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि इस तरह की घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये घटनाएं समाज में अमन चैन और भाईचारे के लिए बेहद खतरनाक हैं। आप देख रहे हैं लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।